तो साथियों, इस समय खरल गांव में जो जींद जिले का, और यहाँ पे पवन कुमार जो इंडियन आर्मी का जवान था, आज कल उनकी मौत हो गई। कल हुई थी ना सर? कल। लेकिन आज उनका जो उनका पैतृक गांव है वहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया है। उनकी माँ हमारे साथ में है। के नाम बताई आपका? मेरा वीरमती है। वीरमती। तो ताई, भाई दबात कद हुई थी आखिरी बार? भाई दबात परसों हुई थी शाम में। हाँ, और सब भाइयों को मैं नमस्कार करती हूँ हाथ जोड़ कर। मेरा बेटा सिद्ध होया है भी, जो मेरा पोता है, 1.5 साल का पोता, मेरा 6 साल की पोती है भी। मेरा बेटा पोता गाबरू हो जाएगा, मैं इस्तीफा फौज में लगवाना चाहूँगी भी। मैं राह जोड़ कर नमस्कार करूँ भी, मेरा बेटा देश के लिए रक्षा करे करदा। सही सिद्ध होया मेरा, खुशी है मन में, ना मैं मैला मन कर दी भी। धन्यवाद है मेरा। बहुत खुशी थे अंजमा, सही थे। कितने 32 साल का हुआ था ताई? हाँ, 32 साल की उम्र थी। 32 साल की थी। और उसके साल का लग गया था फौज में? फौज में लग गया था वो 21 साल का। 21 साल का। तो ताई उस टाइम पे तो ठीक था, फिर बेरा पटिया के कुकर की हुआ। किस टाइम बेरा पटिया? फिर बेरा पटिया जी, सवेरे 5 बजे फोन आया मार दो रहा। अच्छा, पापा तो उसका मैं आधार कार्ड था, मैं अपने गोबर चकून थी। बहू दोरा फोन आया, उसकी दोरा साहब का फोन आया है भी, आपके पति सीधो लिए आठ फैल हो गया उसका। ये बहू दोरा फोन आया, फिर बहू ने आपते बताई? बहुत ही आपती बताई फिर मेरे से। तो उसके बाद फिर आज मौत काल हुई है और फिर अंतिम संस्कार आज हुआ है। हाँ हाँ, जो है आज हुआ है। एक लड़का एक लड़की है। हाँ, एक लड़का एक लड़की। देखो बहू, तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि बहू इस हालत में नहीं है कि बात कर पावे। तो या उनकी माँ या दादी है? दादी। तो दादी के कहोगे आप? बेटी मैं तो यह कहूँगी, मेरा परिवार हंसदा खेलदा था, और माना मेरा बेटा का पोता का मरिया का कोई दुख नहीं, देश की रक्षा खातर जा रहा था, ठीक है, और ड्यूटी पे था, हार्ड फैल हो गया। बस और तो ऊपर तो क्यों कहूँ बेटा, सही बात है, ठीक है। माना कोई दुख नहीं होया, देश की रक्षा खातर था, ड्यूटी पे उसकी जान गई है। एक लड़का एक लड़की है। क्या नाम दादी आपका? बोती है। और ये देखो मौसी है, ये मौसी भी मतलब साथ में है, आप ही यहीं पे? हाँ जी, मैं है तो साथ में जी। फिर वो तो जी अच्छी बात है भी, देख थोड़ा सा वो तो ले मामर मौसी में। हाँ, कोई फर्क नहीं होता जी। फिर देखो जी, उसके कुत्तों भाई इतने दिन के सांस थे हैं, अरे अच्छी बात है ले भाई, वो शहीद हो गए उधर। फिर यहीं भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो जब सरकार कुछ सुनाएगी तो माना थोड़ी सुविधा मिलेगी, तो सरकार की अच्छी बात है जी। दादी मतलब कुछ ऐसा हुआ कि गांव में पवन के नाम पे कुछ स्टेडियम वगैरह बनाया जावे? बनाया दियो जी, बहुत खुशी है जी, जमा खुशी है। मेरा बेटा का नाम चालागा, दुनिया दरंगी याद करेगी मेरे बेटा ने, मैं याद जोड़ कर प्रार्थना भी करूँ, हमने निशानी दिखे जाएगी। सरकार बहुत जे मेरे बेटे के लिए कुछ भी कर सके नहीं, मैं जो मैं खुश हूँ, मेरा धन्यवाद है इस बात के लिए। मेरा पुत्र का आज तरंगे झंडिया गल्ला संस्कार करा के गए नहीं, बहुत खुशी हुई मारा बिल्कुल भी। हाँ, वो तो देखो अपने पोते बेटे सबने प्यारे लग गए, फिर इस मौत का मन कोई दुख नहीं, देश की सेवा करे करता, देश की सेवा करे करता। आप इधर आके बता दो सर, यूं सस्ता लग गया जी। इस गांव में जी पहली घटना हुई है, एक घटना में लड़का पुलिस में था, कोई सरपंच का रोड़ा था या पानीपत के अंदर हमारे नज़दीकी है, वो सरपंच का सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन सरपंच के पीछे गोली मारने वाले लग रहे थे, तो घर के भी कह रहे भाई तू क्यों जावे, छोड़ दे, तने की जरूरी है, लेकिन उसमें भी जुनून था, जैसे हमारे पवन फौजी के अंदर है ना, उसके अंदर भी जुनून था, लेकिन उसका गोली लग गई, उस शहीद हो गया अभी। लेकिन इतनी पब्लिक, इतनी फोर्स, जितनी आज आई नहीं उतनी हमने जिंदगी में आज तक देखी नहीं इस गाँव के अंदर। देश की सेवा करेगा। हाँ, देश की सेवा करेगा। सरकार से कुछ अपील करना? सरकार से यही अपील है, वे सरकार को खुद ही इसके बारे में सोचना चाहिए, वे देश के लिए जो जवान हैं वो देश की रक्षा करने लग रहे हैं, और जो खिलाड़ी हैं
देश के लिए मेडल लेके आते हैं। सरकार को खुद सोचना चाहिए। देखो हम इसके बारे में ज़्यादा क्या कहेंगे, हमारे से बहुत पढ़े लिखे बैठे हैं IAS IPS, वो हमारे से बहुत अधिक जानते हैं। ओके तो देखिए जो इंडियन आर्मी में जो जवान था जिनकी मौत हो चुकी है और आज पैतृक गाँव में अंतिम संस्कार भी हुआ है, तो उनके घरवाले हमारे साथ मौजूद थे और इनको बड़ी खुशी है कि मतलब देश की सेवा कि उसमें वो पोस्टिंग पे वहीं पे थे और वहीं पे उनकी मौत हुई है। लेकिन घर वालों को इस चीज़ का अफसोस नहीं है, इस चीज़ की खुशी है कि देश की सेवा करते करते वो वहाँ पे शहीद हो गया। तो आपको भी तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।